हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान और इस वीडियो में मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया है और इसके अंदर कोट और पैंट का फैब्रिक है। तो शर्ट का कपड़ा हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोट कटिंग करना बता रहा हूँ। इसका कोट, पैंट और शर्ट तीनों कट करना बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कोट कटिंग करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़ा चेक कर लेते हैं कि ये टोटल कपड़ा है कितना, क्योंकि ये मीटर वाला कपड़ा नहीं है। इस कपड़े का जो पैकिंग है, इस पैकिंग में कोट और पैंट का ही कपड़ा आता है, तो इसमें कोट और पैंट का कपड़ा है। इसको हम ओपन करके मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हमको पैंट के लिए कितना चाहिए। पैंट का हम अलग कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसमें कोट का कटिंग करेंगे। अब इसमें से हम सबसे पहले पैंट के लिए अलग कर लेते हैं। एक बार हम टोटल फैब्रिक को मेज़रमेंट कर लेते हैं। पैंट के लिए हमको एक बीस चाहिए, 120। तो ये टोटल कपड़ा कितना है एक बार हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये 1.5 मीटर और ये 3.5 मीटर और ये है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3.25 मीटर कपड़ा है। तो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है कोट पैंट के लिए, आराम से इसमें कोट और पैंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें से पैंट के लिए कपड़ा अलग कर लेते हैं। अब कपड़ा 3.25 मीटर है, पैंट तो हमारा 1.20 में ही हो जाएगा, 120 में। अगर हम 120 कट कर रहे हैं फिर भी हमारा 2.5 कपड़ा बच रहा है इसमें। तो ये हमने पैंट के लिए कपड़ा कट कर लिया है 120। और ये कोट का कपड़ा है, इसमें हम कोट कटिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोट कटिंग करना बता रहा हूँ, SB 2 बटन, सिंगल ब्रेस 2 बटन कोट कटिंग। अब यहाँ मैं आप लोगों को ऊपर से बैक कट करना बताऊंगा और फ्रंट और साइड पीस नीचे की तरफ से कट करना बताऊंगा। इससे क्या होगा कि खर्चा कट करने के लिए, अगर आपको ठाकुर द्वारा चाहिए, फैशन डिजाइन चाहिए, खर्चा के लिए कपड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा अगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो। तो सबसे पहले हम बैक कट करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए यहाँ ऊपर से 1 इंच हमको कपड़ा चाहिए ऊपर उठाने के लिए, तो हमने 1.25 इंच पर एक मार्क लगाकर और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। आप यहाँ भी इसको ऐसे चाहे तो सीधा कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट मैं आपको करके ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इस वाले मार्क में मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखना है और सबसे पहले हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो चेस्ट सीना है 38 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे बैक कट करने के लिए, 9.5 है, 1.5 इंच हमने ऊपर उठाया 8 इंच पे। ये जो मार्क है ये फ्रंट के लिए है और ये मार्क है बैक के लिए। लेंथ लंबाई है 29 इंच, 29 इंच, तो यहाँ 29 पे मार्क लगाना है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिंग लगाएंगे नीचे बॉटम में 2 इंच। अब यहाँ हम स्टमक, पेट का सेंटर लगाएंगे। तो लंबाई 29 है, 29 का आधा करेंगे 14.5 इंच और इसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करके हमको मार्क लगाना है स्टमक का सेंटर। तो लंबाई 29 है, लंबाई का हाफ 14.5 इंच और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे 14.5 और 2 16 इंच, 16.5 इंच। अगर हम 2.5 इंच प्लस करते हैं तो 17 इंच आता है। तो 2 से 2.5 इंच प्लस करना है, कम से कम 2 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच। तो हमने 2 इंच प्लस किया है, फिर से बता रहा हूँ, लंबाई 29 है, लंबाई का आधा 14.5 इंच और 2 इंच प्लस किया तो 16.5 इंच। अब ये जो हमने सेम मार्क लगाया है यही मार्क एक और लगाकर स्ट्रेट कर लेंगे। तो 9.5 इंच, 1.5 इंच ऊपर 8 इंच, 16.5, 29, 31।
अब यहाँ से 1 इंच, 1 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ से मार्क लगाएंगे 1.5 इंच, यहाँ मार्क लगाना है 2 इंच, और यहाँ भी मार्क लगाना है 2 इंच। इस वाले मार्क को करना है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा ऐसे, और यहाँ इसको ऐसे शेप करना है, इसको पलट के यहाँ और यहाँ। ऐसे शेप कर देना है। यहाँ से नेक को 5 से डिवाइड करना है। कॉलर है 15.5, 15.5 का 5वां हिस्सा करेंगे तो 3 इंच रखते हैं हम, 5 तिहाई 15, 15.5 है तो चलेगा 3 इंच। यहाँ से 1 इंच, 1 इंच ऊपर उठाना है ऐसे, यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर उठाया, और ये 1 इंच यहाँ ऐसे रखकर, और यहाँ 2 सूत हम डाउन कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ जो हमारा थोड़ा अल्टर आता है वो नहीं आएगा, बिल्कुल क्लीन आएगा। अब इस वाले मार्क को ऐसे गुलाई कर देना है। अब यहाँ से हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर है 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच, और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे 9.5 इंच, ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रेट मार्क है, सीधा मार्क, यहाँ जितना है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ भी ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ क्रॉस बैग 38 सीना में 1 इंच कम कर देंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो यहाँ हमने 1 इंच ऊपर उठाया है, 1 इंच यहाँ ऐसे रखेंगे, और शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच 2 इंच। ये रेगुलर शोल्डर डाउन है, नॉर्मल जो शोल्डर डाउन होता है। अगर किसी का शोल्डर झुका हुआ है, कंधा गिरा हुआ है, तो फिर उसके लिए हम ज़्यादा करेंगे, 2.25 करेंगे, 2.5 करेंगे, और अगर किसी का शोल्डर उठा हुआ है, हाई शोल्डर है, तो उसके लिए हम कम करेंगे, 2.25 करेंगे, 1.5 करेंगे। नॉर्मल जो शोल्डर है वो 2 इंच डाउन करना है, 2 इंच। स्केल का जैसे जैसे मैं यूज करूँगा आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपको भी सेम ऐसे ही स्केल का यूज करना है। आप क्या करना है, यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर और यहाँ से इसको हाफ एंड हाफ कर लेना है ऐसे, ये इसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई करने के लिए, और अब हम यहाँ स्टमक का मार्क लगाएंगे, पेट का मार्क। तो स्टमक, पेट है इसका 33 इंच, 33 का 1/6 हिस्सा करना है, जितना भी स्टमक है उसको 6 से डिवाइड करना है, और प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो 33 का 1/6 हिस्सा होता है 6 × 5 = 30 और 3 = 33 5.5 इंच, और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। पेट है 33 इंच, 33 का 1/6 हिस्सा 5.5 इंच, और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। अब यहाँ 6 इंच है तो यहाँ भी 6 इंच ऐसे रखेंगे, और यहाँ से 0.25 इंच 3/4 प्लस कर देंगे, यानी यहाँ जितना टोटल है यहाँ से हमने 0.25 इंच प्लस किया है। अब 0.25 इंच हमने क्यों प्लस किया है, क्योंकि इसका हिप का मेज़रमेंट है 39 इंच और इसका पेट का मेज़रमेंट है 33 इंच, 6 इंच का फ़र्क है हिप और पेट में। अगर ये फ़र्क 3 इंच होता, 3 इंच से कम होता, तब हम यहाँ 0.5 इंच प्लस करते। अगर हिप और स्टमक में 3 इंच से ज़्यादा का डिस्टेंस है तब आप यहाँ 0.25 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, यहाँ 6 इंच है टोटल, तो यहाँ 6 और हमने 0.25 इंच प्लस किया 0.75 इंच। यहाँ से हम वेंट के लिए मार्क लगाएंगे, तो यहाँ हम इसमें ओपन करेंगे 7 इंच 7 इंच, और यहाँ से मार्जिन रखेंगे 0.25 इंच। और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर कट करेंगे, इस वाले मार्क में कट होगा। तो ये हमारा बैग का कंप्लीट मार्क हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से,
इस चैनल के अलावा मेरा दो यूट्यूब चैनल और है, एक का नाम है सुहाना फैशन स्टूडियो और दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम है इरफान इंडिया वाला। दोनों यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद दोनों यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बैक का मार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को फ्रंट और साइड पीस कट करना बताऊँगा। अब क्या करना है, दो तरीका है इसका। एक तरीका तो यह है, यहाँ नीचे से एक इंच आपको ऊपर इससे एक्स्ट्रा रखना है, या फिर आप ऐसे तीन इंच मार्क लगा लो, है ना। तो यहाँ नीचे से ऐसे तीन इंच पे एक मार्क लगाना है, थ्री इंच। और अब ये जो हमने मार्क लगाया हुआ है, यही सेम मार्क यहाँ एक और लगा लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। 9.5 इंच, 8 इंच, 16.5 और लंबाई 29, और ये 2 इंच का मार्जिन है। तो लंबाई 29, 29, यहां हमने 29 ऐसे रख दिया। साढ़े नौ, 1.5 इंच ऊपर, 16.5। यहां जो हमारा मार्जिन है, ये मार्जिन अभी नहीं लगाना है। एक तरीका और है, आप यहां से एक इंच एक्स्ट्रा रखकर, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी मार्क उठा सकते हो। यहां आपने स्ट्रेट मार्क उठा लिया, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो ऐसे भी आप उठा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं उठाता हूं। मैं जो है ये मार्क लगाकर ही कर लेता हूं। अब यहाँ इस वाले मार्क से चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, सीना का चौथा हिस्सा करना है। सीना 38 है, चौथा हिस्सा 9.5 इंच, यहाँ भी 9.5 इंच और यहाँ भी 9.5 इंच। इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है ऐसे। और अब यहाँ से हम फ्रंट माइनस करेंगे, यानी तख्ती माइनस करेंगे। तो सीना 38 इंच है, 38 में हम 1 इंच में एक सूत कम माइनस कर रहे हैं। देखो ये हम 1.25 इंच भी कर सकते हैं 38 में, और एक यानी कम से कम 1.25 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 38 सीना में। तो हम यहाँ 1.25 और 1 के बीच में 1 इंच में एक सूत कम हमने माइनस कर दिया तख्ती। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है ऊपर। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे सीधा, और अब यहाँ से इस वाले मार्क से 1.25 इंच पे मार्क लगाना है, यानी 1.25 इंच यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा देना है। ये जो हमने तख्ती माइनस किया है, यहाँ से 1.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा देना है। और अब यहाँ इसको ऐसे शेप करना है। यहाँ से हम वेल्स पॉकेट, वॉलेट पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस रखते हैं 1.25 इंच, सीना 38 है तो वेल्स पॉकेट बनाएंगे 1.25 इंच। इसका एक 20 सेंटर लगा लेंगे, 2 इंच में एक सूत कम। यहाँ से 0.5 इंच ऊपर उठाएंगे, और यहाँ से 1 इंच रखेंगे, और यहाँ से 1 इंच रखेंगे।
और अब यहाँ लेंथ लंबाई वाले मार्क पे आना है और यहाँ से पौना इंच यानी कि 3/4 नीचे मार्क लगाना है ऐसे। उसके बाद यहाँ लंबाई का थर्ड, लेंथ का थर्ड यानी लंबाई का तीसरा हिस्सा, तो लंबाई 29 है तो तीसरा हिस्सा लगभग 10.25 इंच है ना, 10 * 3 = 30 होता है। अगर लंबाई 30 होता तो हम 10 पे लगाते, लंबाई 29 है तो 2 सूत कम कर देते हैं, 10.25 इंच। नीचे से बटन होल का मार्क है पहला वाला, और यहाँ से हम ऊपर और सेकंड बटन के लिए यहाँ से 4.5 इंच पे हम मार्क लगाते हैं, 4.5 इंच। अब ये जो बटन का डिस्टेंस है ये 2 सूत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने 4.5 इंच रखा ऐसे। अब क्या करना है, ये जो हमने वेल्स पॉकेट का 20 सेंटर लगाया हुआ है इस वाले मार्क को मेज़रमेंट करना है इस स्ट्रेट मार्क से, ये जो सीधा मार्क है हमारा स्ट्रेट मार्क, इस मार्क से मेज़रमेंट करना है। अब ये 5.25 है तो यहाँ भी ऐसे रखेंगे 5.25 पे, यहाँ एक मार्क ऐसे लगाना है और यहाँ 1 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, ये पॉकेट का मार्क है और ये डांट का यानी टेकिंग का मार्क है जो यहाँ हमारा आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्क लगाना है ऐसे। यहाँ से हम 1/2 इंच पेड डॉट निकाल देंगे, इस मार्क को यहाँ से मिला देते हैं। अब यहाँ से हम फ्लाप के लिए मार्क लगा लेते हैं, तो फ्लाप हम इसमें देंगे 1/2 इंच ब्रॉड। बॉटम राउंड आएगा इसका तो फ्लाप भी राउंड ही रहेगा। और अब यहाँ से ये जो काज और बटन का मार्क है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और यहाँ इसको 1/2 कर लेना है, एक मिडल सेंटर लगा लेना है। देखो इसका 1/2 यहाँ आ रहा है और यहाँ से 1/2 इंच प्लस कर लेना है, 1/2 इंच यहाँ बढ़ा देना है, 1/2 इसका यहाँ है प्लस 1/2 इंच ऐसे। 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर या 1/2 इंच, इस दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर लेना है, एक सूत का ही फ़र्क है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको 1/2 कर लो और यहाँ से 1/2 इंच प्लस करके मार्क लगा लो ऐसे। और अब यहाँ से 1/4 इंच 3/4 अंदर आपको मार्क लगाना है ऐसे, और अब इस मार्क को और इस मार्क में मिला देना है। देखो यहाँ ये जो मार्क है इस मार्क से आपको 1/2 इंच ऊपर मार्क लगाना है ऐसे, और यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था बैक में 2 इंच, तो यहाँ से 2 इंच मार्क लगाना है यहाँ ऊपर से, ये जो ऊपर हमने मार्क लगाया है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर, यहाँ से शोल्डर डाउन 2 इंच किया था तो यहाँ भी 2 इंच मार्क लगाना है, और यहाँ भी ऐसे 1/2 इंच पर रखना है और 2 इंच शोल्डर डाउन ऐसे मार्क लगा लेना है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाया हमने और शोल्डर डाउन हमने 2 इंच किया था बैक में, तो यहाँ 2 इंच शोल्डर डाउन, यहाँ 1/2 इंच ऊपर है इस वाले मार्क से तो यहाँ भी 1/2 इंच ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन 2 इंच। यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे रख देना है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऐसे कम मार्क लगाना है, क्यों, क्योंकि बैक में हमारा फुलनेस आएगा, धमक आएगा, तो बैक से फ्रंट 1 सेंटीमीटर कम रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ से 1 इंच ऊपर आप ऐसे मार्क लगा लो और अब इसी स्केल से यहाँ इसको इसमें मिलाना है। सीना 38 है, यहाँ से मार्क लगाएंगे 3 इंच 3 इंच।
और यहाँ से अब लेपल का ब्रॉडनेस यानी लेपल कितना चौड़ा रखना है, कितना ब्रॉड रखना है, उसका मार्क लगाना है। तो यहाँ हम रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। यहाँ हम इसमें पिक बनाएंगे 1.25 इंच का। चेस्ट है 38 इंच और स्टमक है 33 इंच, 5 इंच का फ़र्क है। अगर चेस्ट और स्टमक में 3 इंच से ज़्यादा का फ़र्क हो तब आपको यहाँ से मार्क लगाना है 1 इंच, 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला देना है। और अब क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच, ये जो मार्क है यहाँ, इसको हल्का सा ऐसे एक सूत अंदर लेते हुए ऐसे शेप करना है और यहाँ आपको ऐसे लाकर इसमें मिला देना है, ठीक है। ये मार्क कैंसिल हो जाएगा और इस वाले मार्क पे हम इसको ऐसे कट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका, इसको आप मेज़रमेंट कर लो। ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच है, यहाँ ये जो स्ट्रेट मार्क है यहाँ 1.25 इंच ऐसे रखेंगे और ये यहाँ तक मेज़रमेंट करना है। ये जितना है इसको उठाकर यहाँ इस वाले मार्क पर रख लेना है और यहाँ चेस्ट का हाफ लगाना है, सीना का आधा 38 इंच, 19 × 38, चेस्ट का हाफ 19 इंच, और यहाँ फिटिंग के हिसाब से लूजिंग का मार्क लगाना है। जैसे कि हम ये मीडियम फिटिंग यानी कि ना ही टाइट और ना ही लूज, एक मीडियम फिटिंग जो होता है कंफर्ट फिट, उसका यहाँ मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमको मार्क लगाना है, यहाँ से हम मार्क लगाते हैं मीडियम फिटिंग के लिए 4.5 या 4.25, तो हम 4.25 इंच मार्क लगाते हैं ऐसे। ये 4.25 इंच, 4.5 भी कर सकते हैं मीडियम फिटिंग में। टाइट फिटिंग के लिए आप यहाँ से 4 इंच लगाना, हमने 4.25 इंच लगाया। और अब यहाँ हम स्टमक का मेज़रमेंट करेंगे, इसको टोटल मेज़रमेंट करना है मार्जिन के साथ में। ये टोटल 6 इंच है, 6 इंच, यहाँ 6 इंच ऐसे रखेंगे और ये यहाँ तक मेज़रमेंट करना है, इसको उठाकर इस वाले मार्क पे लेकर आना है। स्टमक है 33, 33 इंच, 33 का आधा 16.5 इंच, और यहाँ से मार्क लगाना है मीडियम फिटिंग के लिए 3.5 इंच, टाइट फिटिंग के लिए 3 इंच लगाना है, कंफर्ट फिट के लिए 3.5 इंच। यहाँ हम हिप का मेज़रमेंट करेंगे, ये 7.25 इंच है। यहाँ रखना है 7.25 ऐसे। हिप है 39 इंच, 39 का हाफ करेंगे, 19 × 38, और ये 39, 19.5 इंच। यहाँ से हम मार्क लगाएंगे टाइट फिटिंग के लिए 3.25, 3.5, और मीडियम फिटिंग के लिए 4.25 इंच। यहाँ से 0.5 इंच डाउन करेंगे, यहाँ जो हमने पेट डार्ट जितना निकाला है, जैसे कि यहाँ हमने 0.5 इंच मार्क लगाया है, तो यहाँ भी 0.5 इंच आप मार्क लगा लो और यहाँ से इसको ऐसे शेप कर दो। और बैक को यहाँ ऐसे ऊपर से बराबर करके रखना है, यहाँ इस मार्क को हमने उठा लिया ऐसे, और यहाँ ये मार्क जो है इसी मार्क में आएगा। अब क्या करना है, इस वाले मार्क को इस मार्क में मिलाना है। इस मार्क को कट कर देना है,
यहाँ से हमको मार्जिंग ऐड करना है बॉटम में 2 इंच 2 इंच, क्योंकि हमने बैक में भी मार्जिंग 2 इंच ही दिया था, तो फ्रंट में भी हमारा मार्जिंग 2 इंच ही आएगा, सेम जितना बैक में उतना ही फ्रंट में। यहाँ से हम मार्जिंग रख लेते हैं 2 इंच और यहाँ से रख लेते हैं 2.5 इंच। यहाँ से हम बॉटम राउंड करेंगे तो ये ऊपर वाला जो मार्क है यहाँ 1.5 इंच पे मार्क लगाना है ऐसे, और शेप स्केल से यहाँ इस मार्क में और यहाँ ये जो काजा बटन का मार्क है उसमें ऐसे मिला देना है, और यहाँ इसको ऐसे राउंड करना है। अगर हम आपको लंबाई का मार्क मेजरमेंट करके दिखाएं तो ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर और इसका लंबाई है 29 इंच, तो ये 29 रेडी आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो मार्क कंप्लीट हुआ है, अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर कट करना है।